नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 25वें दिन की कथा, अध्याय 25 में। इस अध्याय में हम सुनेंगे राजा दृढ़धनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। चलिए शुरू करते हैं। राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास की वृति मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उसका उद्यापन होना बहुत आवश्यक है। उसके उद्यापन की विधि मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें और फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सहपत्नी आमंत्रित करें। फिर दोपहर को 1 द्रोण 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 अनाज से उत्तम सावित्री भद्र बनावें। सावित्री भद्र मंडप के ऊपर सोने चांदी तांबे या मिट्टी के जिसमें छिद्र ना हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेट कर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। तत्पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित कर दें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करें और इस मंत्र से अर्ध दें। देव देव नमुस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहानाध्याय मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती का मंत्र है, निराज्यामी देवेश्मिंदी वरद लक्ष्मीम राधिका रमणम प्रेमणा कोटिकंदर्प रप सुंदरम। और फिर श्री हरि का ध्यान करें। हे अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से दे दीप्यमान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। उसके बाद राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र एवं आभूषणों से प्रसन्न कर ऋत्विजों को दक्षिणा दें। दूध देने वाली
सीधी गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और किंकणी से सजाकर पीठ पर तांबा मंडकर स्वर्ण से सींग चांदी से खुर मंडवा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के सब वस्त्र दें। 8 प्रकार के पद दान दें। 1 जोड़ी जूते दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुला दान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, यह सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र ओढ़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दें। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुआ ब्राह्मणों को दें। हे पृथ्वीपते, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक एक पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहां से फिर लौटकर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे का संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे, यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान जैसे मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ और घी आदि ऋतुफल संपुट के साथ रखकर दे दें। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दें और प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जगदाधार, जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरा करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण करके आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करते हुए घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। वृति पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पकी हुई फैनी, खांड के बने माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, 6 रसों से बने हुए चारों प्रकार के पूरी, कचौरी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित गौरस परोस कर कहें कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो भी अच्छा लगे वह मांग मांग कर लें। मैं आज धन्य हुआ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है। तह सब वस्तु आदर सहित ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो परलोक में देवता होता है। सहपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दें और ब्राह्मणियों को पीतांबर से सजी बांसुरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा याचना करें तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्य स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहें कि यदि मुझसे कार्य में कोई भी कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें तथा मिथ्या भाषण छोड़कर कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें।
अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें, स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सहपत्नी कृति पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धानुसार यथा योग्य अन्न दान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इस व्रत को करने से चाहे नर हो या नारी, जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र्य व दुर्भाग्य को नहीं पाते, उनके नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को अविलंबन करते हैं, वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक को जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 25वां अध्याय समाप्त।